तो चलिए गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास नाइन्थ हिंदी ब्रज कोर्स का जो सेवेंथ चैप्टर है, पंडित जसराज। यहाँ पर देखिए तो पंडित जसराज, ये वाला जो है हम आपको क्लास नाइन्थ जो हिंदी की आपको न्यू वाली ब्रज कोर्स की बुक मिली हुई है उसको यहाँ पर सॉल्व यहाँ पर करने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। विथ सॉल्यूशन के साथ हम आपको पूरा यहाँ पर इस चैप्टर को करवाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं आपके, ठीक है, पिछले वाले चैप्टर सारे मैंने करवा दिए हैं, अपने चैनल पर मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट जाके चैनल पर चेकआउट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर पिछले मैंने इसके जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी कारपत्रक हैं, सारे कंप्लीट यहाँ पर करवा दिए, ठीक है। अब हम करवाने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है पंडित जसराज, तो इसको भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। विथ सॉल्यूशन के साथ हम आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो वीडियो बने रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है। मैंने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर इसका बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना, पंडित जसराज चैप्टर को। मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताना यहाँ पर स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर के हमारे पहले कारपत्रक एक में पूछा गया है, तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो चलिए गाइस, हम आपको यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर दिखाते हैं, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है, जैसे कि यहाँ पर इस चैप्टर में जो पंडित आपका जसराज है, इसमें जो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कामकाज, शैतानी, इंसान, साधना, आर्थिक, और संघर्ष, किस्सा, स्टेज, मोहरों, असल, श्रोता, सम्मान और आदि, ये सारे शब्द यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए हैं इस चैप्टर में, ठीक है, पंडित जसराज में, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से जब पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर ये सारे शब्द यहाँ पर दिखाई यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपका जो कारपत्रक एक है यहाँ पर जो कंप्लीट है यहाँ पर करवा दिया है। इसके बाद हम चलते हैं कारपत्रक दो की तरफ, ठीक है। कारपत्रक दो में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो चलिए गाइस, कारपत्रक दो को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर जल्दी से कंप्लीट यहाँ पर करवा देते हैं। जल्दी से बस आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है इस कारपत्र दो में, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई, तो इसका आपका करेक्ट आंसर अग्नि, ठीक है। इसका खा वाला इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया, तो इसका करेक्ट हो जाएगा नयन, ठीक है, नयन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तीसरा, उसका मन आनंद से भरा आनंद से भरा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्लास, ठीक है, उल्लास, ठीक है, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमात्मा, ठीक है, इसका परमात्मा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा गया वह नदी के किनारे घूम रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीर। इसका छठवां आपका क्वेश्चन पूछा गया क्या कुछ याद आता है उनके बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति, ठीक है, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन पूछा गया छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयु। और आठवां क्वेश्चन आपका पूछा गया आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर, आदर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है आपका कारपत्रक जो आपका दूसरा था ये भी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर करवा दिया है, ठीक है। कारपत्रक दूसरा भी आपका हमने जो कंप्लीट अच्छे तरीके से यहाँ पर करवा दिया। अब हम चलते हैं आपके कारपत्रक तीसरे की तरफ, तो कारपत्रक तीसरा भी हम आपका जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। और कारपत्रक तीसरा कंप्लीट करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास नाइन्थ हिंदी ब्रज कोर्स, मैथ ब्रज कोर्स और इंग्लिश ब्रज कोर्स, ठीक है, क्लास नाइन्थ हिंदी जो न्यू बुक है आपकी, अगर आपको इन तीनों की अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ का, तो आपको मिल जाएगा 1999 रुपीज़ में। और जिसको भी चाहिए इन तीनों का पीडीएफ विद सॉल्यूशन सहित, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ पर करवा दी जाएगी, ठीक। क्लास नाइन्थ हिंदी ब्रज कोर्स, मैथ ब्रज कोर्स और इंग्लिश ब्रज कोर्स तीनों का मिल जाएगा। और अगर आप लोग हिंदी ब्रज कोर्स का पीडीएफ खरीदोगे, ठीक है, सॉल्यूशन का, तो आपको वो पड़ेगा 99 रुपीज़ में। और अगर आप मैथ का खरीदोगे, मैथ ब्रज कोर्स का, तो वो भी आपको 99 रुपीज़ में पड़ेगा। और इंग्लिश का खरीदोगे तो वो भी आपको 99 रुपीज़ में यहाँ पर
पढ़ने वाला है। और अगर देखो, अगर आप लोग तीनों, ठीक है, तीनों एक साथ खरीदोगे तीनों पीडीएफ, तो वो पड़ेगा आपको 1999 रुपीज़ में, ठीक है। और जैसे ही आप लोग उस कोर्स को खरीद लोगे और आप लोग पीडीएफ से सॉल्यूशन अपने बुक तीनों बुकों का सॉल्यूशन करोगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 24 आवर व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है, कोर्स खरीदने के बाद। तो जिसको भी कोर्स यहाँ पर लेना है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट तीनों पीडीएफ लेना है, हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों को ब्रज कोर्स का, जिसको भी सॉल्यूशन यहाँ पर लेना है पीडीएफ के जरिए, वीडियो उसको नहीं देखना है, तो आप लोग ले सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जिसको वीडियो के जरिए करना है, तो मैं वीडियो में तो अच्छे तरीके से आपको समझा करके सॉल्यूशन यहाँ पर करवा ही रहा हूँ। तो जल्दी से अब हम चलते हैं कारपत्रक तीसरे की तरफ, ठीक है। वीडियो को जल्दी से लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस जिसने अभी तक नहीं किया है। अब देखते हैं हम कारपत्रक तीसरा। कारपत्रक तीसरा में पूछा है, तो समान अर्थ प्रकट करने वाले वाले शब्द युग्मों को अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखिए, ठीक है। जैसे कि जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो अस्त, इसको अस्त शस्त्र, तो उसका आपका हो जाएगा अस्त, यहाँ पर इसको हथियार जो फेंक कर चलाया जाए जैसे भाला, और शास्त्र यहाँ पर इसको हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए जैसे तलवार, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं जो है करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है आगम, दिखो आगम, ठीक है। तो इसका यहाँ पर इसका आपको वाक्य इस तरीके से बनाना है, तो जहाँ पहुँचा ना जा सके वह आगम है, ठीक है। और दिखो दुर्गम, तो दुर्गम को बना देना है, जहाँ पहुँचना कठिन है वह पहाड़ दुर्गम है। इस प्रकार से आपको जो है जो पहला वाला आगम और दुर्गम है, ये जो है आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसको ईर्षा, तो ईर्षा को आपको कैसे करना है, ईर्षा का आपका वाक्य बन जाएगा, दोस्तों जलन की भावना वह मुझसे ईर्षा करता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका वाक्य यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया, दोस्तों दृश्य, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दृश्य, तो इसका हो जाएगा विरोध की भावना उसका, और दोस्तों उसका मुझसे दृश्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो कार्य, तो कार्य का हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर आपका वाक्य हो जाएगा काम जो हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद कर्तव्य, तो कर्तव्य का हो जाएगा वह काम जो इस तो नैतिकता के आधार पर करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा गया, देखो चौथा क्वेश्चन है आपका आज्ञा, तो आज्ञा का हो जाएगा आदेश देना, और अनुमति का हो जाएगा काम की आज्ञा देना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी जो है वाक्य यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा है, तो अभिमान, तो अभिमान का हो जाएगा गर्व की भावना, और इसका अहंकार, अहंकार का हो जाएगा घमंड, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना था। और इसके बाद हमारा छठवां यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो नमस्ते, तो नमस्ते का हो जाएगा अपने से बड़ों को नमन किया जाता है, और बाकी नमस्कार को अभी छोड़ दीजिए, इसको मैं आपको बाद में कंप्लीट यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। फुल सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा यहाँ पर ब्रज कोर्स को यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है मैंने। आप लोग प्ले लिस्ट जाकर हमारे चैनल पर चेक कर लीजिए, सारा आप क्लास 9th हिंदी ब्रज कोर्स का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। अभी हम करवाते हैं आपका कारपत्रक चौथा, ये भी आपको जल्दी से यहाँ पर सॉल्व यहाँ पर करवा देते हैं। तो कारपत्रक चौथा को आपको कैसे करना है, तो पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पर तो शब्द दिया गया है, इसका हमें अर्थ भी लिखना है, वाक्य भी यहाँ पर बनाना है। तो चलिए गाइस इसको भी हम आपको जल्दी से यहाँ पर करवा देते हैं कारपत्रक चौथे को। जैसे कि यहाँ पर तो शब्द दिया गया है, पहला हमारा शुरुआती, तो शुरुआती का अर्थ हो जाएगा प्रारंभिक, और इसका वाक्य बनेगा मैंने विद्यालय की शुरुआती शिक्षा भाई से ली, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला वाक्य यहाँ पर बन जाएगा। इसका दूसरा आपका यहाँ पर तो शब्द पूछा गया है रसराज, तो इसका हो जाएगा रसों का राजा, और इसका वाक्य बनेगा सिंगा रस को रसों का राजा कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य भी यहाँ पर बन जाएगा। इसका तीसरा शब्द दिया गया निधन, तो निधन का हो जाएगा अर्थ मृत्यु, और इसका वाक्य बनेगा आज विद्यालय में एक विद्यार्थी का निधन हो गया है। तो ये भी हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर तीसरे का एकदम करेक्ट आंसर। चौथा पूछा गया है तो शैतानी, तो शैतानी का हो जाएगा मस्ती, ठीक है, इसका अर्थ, ठीक है। इसके बाद वाक्य बनेगा पिकनिक जाते समय खूब मस्ती की थी, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथा वाला। इसके बाद पांचवा है आपका ताउम्र, तो ताउम्र का अर्थ हो जाएगा पूरी उम्र, और वाक्य बनेगा इसका मेरी दादा ताउम्र ईमानदारी का पाठ पढ़ते रहे, ठीक है। तो ये जो है आपका कारपत्रक चौथा भी यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी हम करवा देते हैं। इसके बाद हम आपका कारपत्रक पांचवा कराएंगे। तो इसमें भी हमें इसी प्रकार से करना है, शब्द अर्थ और वाक्य यहाँ पर बनाना है। तो शब्द हमारा दिया गया है तो कामकाज, इसमें पहला, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका काम, और इसका वाक्य बनेगा हमें कामकाज ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा आपका पूछा है साधना, तो साधना का हो जाएगा अर्थ आपका अभ्यास करना।
इसका वाक्य बनेगा आपका कठिन साधना से हर कार्य सफल होता है। तो ठीक है, तो ये जो हमारा हो चुका है दूसरा भी। तीसरा है आपका मुहर, तो मुहर का हो जाएगा स्वर्ण मुद्रा। पंडित जसराज को इसको 5000 मुहर का इनाम मिला। ठीक है, इस प्रकार से इसका वाक्य बन जाएगा। इसका नेक्स्ट पूछा गया चौथा आपका श्रोता, तो श्रोता हो जाएगा सुनने वालों को। ठीक है, तो इसका वाक्य बनेगा कविताओं को श्रोता इसको सुनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा श्रीता जो है सुनाते हैं, इस प्रकार का वाक्य हमारा बन जाएगा। इसका नेक्स्ट हमारा पांचवा पूछा गया शब्द आपका दिखो शुक्राना, तो इसका हो जाएगा धन्यवाद अर्थ। ठीक है, इसका वाक्य बनेगा हमें अपने माता पिता का शुक्राना करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये भी जो है कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पर कारपत्रक आपका चार। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कारपत्रक पाँचवीं की तरफ। कारपत्रक पाँचवीं में आपको पूछा है अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए, तो हमें इसमें जो है अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखना है, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर लिखवा ही रहा हूँ, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके गाइस, जल्दी से अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। क्लास 9th ब्रज को पूरा आपका अच्छे तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पर अपनी रुचि के बारे में यहाँ पर लिखवाते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, तो इसमें कारपत्रक पांचवी में प्रत्येक बच्चों के अंदर कोई ना कोई रुचि होती है, बच्चे अपने खाली समय में अपनी रुचि का काम करना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें तनाव भरे समय में शांति और सुकून मिलता है। ठीक है, दोस्तों रुचि के कई रूप हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग करना, यात्रा करना, किताबें पढ़ना आदि। रुचि हमारे जीवन को दोस्तों रोचक और दोस्तों साखुद बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद लिखना है मेरे बचपन से ही एक रुचि रही है और वह किताबें पढ़ना और लिखना। समय के साथ साथ मेरी रुचि बढ़ती गई, किताबें पढ़ना एवं लिखना मेरा शौक हो गया। किताबें पढ़ने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए मेरी रुचि पढ़ने एवं लिखने में अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है कारपत्रक पाँचवा भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कारपत्रक पाँचवा भी मैंने आपको जो अच्छे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर करवा दिया है। अब चलते हैं हम कारपत्रक छठवीं की तरफ। तो कारपत्रक छठवां भी हम आपका अच्छे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ मैं आपका। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम करवाते हैं आपका कारपत्रक छठवां। तो कारपत्रक छठवां में ठीक है, तो अब हम चलते हैं कारपत्रक छठवीं की तरफ। तो आपका कारपत्रक छठवां भी हम यहाँ पर करवा देते हैं। कारपत्रक छठवें में यहाँ पर पूछा है तो अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए। तो ठीक है, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखना है। तो चलिए गाइस, हम जल्दी से यहाँ पर आपका कारपत्रक छठवां भी कंप्लीट करवा देते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से यहाँ पर कर दीजिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पर आप लोग कारपत्रक छठवें का भी आंसर यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। यदि माँ बाप हमें जन्म देते हैं तो शिक्षक हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे हमें पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। मेरे स्कूल में कई शिक्षक हैं और सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन सब में मेरे सबसे प्रिय शिक्षक ठाकुर सर हैं। वे हमें हिंदी विषय पढ़ाते हैं, उन्हें हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान है, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत सरल है। ठाकुर सर स्वभाव से सरल, शांत और विनम्र हैं। ठीक है, वे यहाँ पर वे पढ़ाई के साथ साथ हमें अच्छी बातें भी बताते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका कारपत्रक छठवी का भी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर करवा दिया है। इसके बाद आपका ठीक है, कारपत्रक छठवी के बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है हेलेन केलर, तो इसका भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बता देंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।